नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। बिलासपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालागढ़ फोरलेन और मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला का विधिवत उद्घाटन किया है। ऐतिहासिक लोहनू मैदान से जनता को संबोधित भी किया है। इस दौरान नालागढ़ में भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नालागढ़ पिंजौर नेशनल हाईवे 105 और मेडिकल डिवाइस पार्क का भी आधारशिला रखी है। वहीं नेशनल हाईवे की अधिकारी ने बताया कि जल्द ही नेशनल हाईवे 105 का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में लोगों को काफी सुविधा मिल सकेगी। हिमाचल कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर विधानसभा के विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर के परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के अब गिनते के दिन बाकी हैं। राजेंद्र राणा ने कहा है कि अब भाजपा को सरकार बनने का फिर कभी मौका मिल पाए या ना मिल पाए, इस कारण चुनाव साल के आखिरी दिनों में भाजपा बिना सिर पैर की घोषणाएं, उद्घाटन और शिलान्यास करने में सिर धड़ की बाजी लगा रही है। शिमला जिला के ज्यूरी में जिलाधीश शिमला ने उप तहसील का विधिवत शुभारंभ किया है। उप तहसील खुलने से रामपुर उपमंडल के दूर दराज 15-20 की 5 पंचायतों समेत अन्य 2 पंचायतों को इससे लाभ होगा। बता दें कि कई वर्षों से दुर्गम क्षेत्र के लोग ज्यूरी उप तहसील खोलने की मांग कर रहे थे, जो कि अब पूरी हो चुकी है। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने रामपुर दौरे के दौरान ज्यूरी में सब तहसील की घोषणा भी की थी। बीते दिन दशहरे के मौके पर हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लोगों पर जलता हुआ रावण का पुतला गिर गया। वहीं यमुनानगर के इंस्पेक्टर ने इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर से साफ इनकार किया है। रामपुर कांग्रेस में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज दरबार यानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के महल प्रांगण में ही दरबार के पसंदीदा व्यक्ति के खिलाफ नारेबाजी की गई है। नारेबाजी पर उतरा कांग्रेसी कुनबा इस बार रामपुर के विधानसभा के लिए वर्तमान विधायक को टिकट ना देने की जिद पर अड़ा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक को टिकट देने की बात भी कही जा रही है। कांग्रेस का एक खेमा विधायक के खिलाफ बगावत पर उतरा है। ये तो तय है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर में ही कांग्रेसियों की बगावत शुरू हो गई है। हालांकि ये बगावत 15 वर्षों से रामपुर का प्रतिनिधित्व कर रही है। धर्मशाला के पुलिस मैदान में बड़े धूमधाम से विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। विजयदशमी के दौरान विधायक विशाल नेहरिया ने पूजा अर्चना की, तो वहीं दशहरा उत्सव में एडीसी कांगड़ा गंधर्व राठौर और पुलिस अधीक्षक जिला कांगड़ा डॉक्टर खुशाल शर्मा भी शामिल हुए। वहीं धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाए जाने वाले दशहरा असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जिला बिलासपुर के सलुआ पंचायत के अंतर्गत खाल टिब्बा सड़क के निर्माण कार्य के शुभारंभ का बोर्ड शरारती तत्वों के द्वारा गिराया गया और उसके समीप एक अन्य छोटा बोर्ड लटका दिया गया है। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अक्षर सिंह और कनिष्ठ अभियंता राजेंद्र ठाकुर मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ऐतिहासिक शहर नाहन में 8 अक्टूबर से राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से टीमें शिरकत करेंगी। जिला परिषद भवन नाहन में यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन रंगमंच से जुड़ी नामी संस्था स्टोपेको सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। यह जानकारी गुरुवार को सोसायटी के अध्यक्ष रजत सिंह कंवर ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी है।
उन्होंने बताया है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 2 नाटकों का मंचन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर नाट्य कलाकारों का हौसला बढ़ाने का आग्रह किया है। नालागढ़ के गांव भाटिया में अवैध माइनिंग पर कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया गया है। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 टिप्पर और 2 जेसीबी को पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढालपुर के रथ मैदान में पहुंचे हैं। हजारों की भीड़ के बीच भगवान रघुनाथ के दर्शन के लिए पीएम मोदी मंच से नीचे उतरे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को भीड़ को व्यवस्थित करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान भगवान रघुनाथ के आशीर्वाद के तौर पर पीएम की टोपी में पवित्र पगड़ी भी बांधी गई थी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल रहे। कृषि विज्ञान केंद्र ताबू में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सेब दिवस और किसान मेला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि स्पीति में प्राकृतिक खेती को जिस तरह से किसान ने आज भी सहेजा हुआ है, वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री ने उनसे इस दिशा में विशेष प्रयास करने को कहा है ताकि हिमाचल प्राकृतिक कृषि के मामले में देश के अन्य राज्यों में अग्रणी भूमिका के तौर पर नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती को लेकर काफी सकारात्मक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन में बिलासपुर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को एक नहीं बल्कि कई योजनाएं देकर गए हैं। इससे पहले एम्स का मतलब दिल्ली जाना होता था, लेकिन पीएम मोदी ने हिमाचल की जनता का दर्द समझा और एम्स को बिलासपुर ले आए। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि किसके नेतृत्व में हमें ये ताकत दी है। कुल्लू दशहरा में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दशहरे के अवसर पर कश्मीर के बारामूला पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले बारामूला एक आतंकी हॉटस्पॉट था, लेकिन अब यह टूरिज्म हॉटस्पॉट बन गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते पर्यटन ने यहां कई युवाओं को रोजगार भी दिया है। इसके साथ ही अमित शाह ने विपक्ष को घेरते हुए अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से मुफ्ती एंड कंपनी अब्दुल्ला के बेटे यहां सत्ता में थे, लेकिन 1 लाख बेघर लोगों के लिए आवास उपलब्ध नहीं करवाए गए। वहीं पीएम मोदी ने 2014 से 2022 के बीच इन 1 लाख लोगों को घर उपलब्ध करवाए हैं। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर के एम्स अस्पताल और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को सौगात दी है। वहीं स्कूली छात्राओं के द्वारा प्रधानमंत्री का एक स्केच भी तैयार किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। छात्राओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने मोदी का स्केच तैयार किया है। शिमला जिला के रामपुर से 2 बार भाजपा प्रत्याशी रही प्रेम सिंह ड्रेक ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पार्टी के लोगों पर ही निशाना साधा है। देवी हिडिंबा भी बुधवार सुबह रामशिला से रघुनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां पर राज परिवार के सदस्यों द्वारा देवी का भव्य स्वागत किया गया। हर साल की तरह सैकड़ों देवी देवताओं के दर्शन के लिए लोग पहुंचे, क्योंकि कोरोना काल के चलते 1 साल तक प्रतिबंध सब चीजों पर लगा रहा। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के लिए भी सुबह से ही मंदिर की कार्रवाई चली हुई थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो वहीं विजयदशमी पर्व पर शास्त्र पूजन भी किया है। नेता इंद्रेश कुमार ने भारत सरकार से आग्रह किया कि आतंकवादियों और नक्सलवादियों को आयरन हैंड डीलिंग मिलनी चाहिए। नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि विजयदशमी के दिन ही वर्ष 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। विजयदशमी का दिन पूरे विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।